अगला हमारा कार्य पत्रक दो है, कक्षा चार पांच प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखिए भी नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, आपको इनके नाम लिखने। जैसे ये चित्र दिखाया गया, अभी किसका चित्र है? अभी ये संदूक, संदूक में क्या होगा? अभी संदूक इस प्रकार लिखना है आपको, ठीक है? अभी खिड़की, खी अड़े, ठीक है? अभी बुक, किताब, पुस्तक का लिखो किताब, चलो वो भी किताब। अब ये पिक्चर किसी दिखाएगी भी आपको? सिपाही, सी पा ही, ठीक है? अभी झोंपड़ी, क्या? अभी झोंपड़ी, ये किसी पिक्चर है? अभी अंग्रेजी में शर्ट कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको भी? कमीज। क्या बोलेंगे भी? कमीज। उसी प्रकार नीचे देखिए भी, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में उनके नाम का पहला वर्ण लिखना है। अब आपको पूरा नाम नहीं लिखना है, आपको केवल पहला वर्ण लिखना है, अक्षर, ठीक है? बकरी, बकरी का पहला वर्ण क्या होता है? अभी बे। ये क्या है? अभी कमल का फूल है, इसमें आप कह लिख सकते हैं। अगर आपको फूल लिखना है तो फै लिख सकते हैं, ठीक है? अभी मछली, मछली में पहला वर्ण क्या होता है? अभी मैं, क्या होता है? अभी मैं। और ये क्या है? अभी टूथ ब्रश, क्या है? अभी सीधा ब्रश नहीं कहेंगे हम, टूथ ब्रश कहेंगे। टूथ ब्रश में क्या है? अभी तय, क्या है? अभी तय, ठीक है? अभी टोकरी, टोकरी में क्या बोलेंगे, लिखेंगे भी तय। ये क्या है? अभी मगरमच्छ, मगरमच्छ के लिए क्या लिखेंगे भी? मैं, क्या लिखेंगे भी? मैं। उसी प्रकार देखिए ये क्या है? अभी बतख, बतख में क्या आएगा? अभी पहले बे आएगा। ये क्या है? अभी पंखा, पंखा में क्या आएगा? अभी पे। और ये क्या है? अभी मोर, मोर का पहला वर्ण क्या है? अभी मैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा कार्य पत्रक है तीन। इसमें पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है? उस वर्ण का चुनाव करना है जो ये नीचे दिए गए सारे शब्दों में होना चाहिए। जैसे जहाज, तरबूज, बाजरा, जग, इसमें जय वर्ण है वो सभी में है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? अभी जय हो गया। उसी प्रकार देखो भी, टब, मटका, मीटर, लोटा, इसमें बार बार आवृत्ति किस वर्ण की हो रही है? अभी टै इसमें भी है, टै इसमें भी है, टै टै सभी की हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? भी टै लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भी टै। जैसे पहाड़, पालक, कपड़ा, चंपा, इसमें पै जो वर्ण है वो सभी में आया हुआ है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? भी टै लिखेंगे। जैसे रेल, कबूतर, मोर, गगरी, इसमें कौन सा वर्ण आया हुआ? भी रे वर्ण है, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है भी शब्दों में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? भी रे। उसी प्रकार लड़की, कलम, लड़ाई, खेल, इसमें कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है सभी अक्षरों में, शब्दों में? अब देखो इसमें ले आया हुआ है, क्या है? अभी ले। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? भी ले लिखेंगे। जैसे चम्मच, कांच, सच, बचत, इन्हें कौन सा वर्ण आया बार बार? चय। चय सभी शब्दों में आने वाला वर्ण है। तो आप क्या लिखेंगे भी यहाँ पर? चय लिखेंगे। दो नंबर प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? अभी चीता शब्द के समान ध्वनि वाले शब्दों को चित्र से मिलाइए। अब चीता एक शब्द है, उसकी ध्वनि का मिलान होना चाहिए आपसे। जैसे इसमें फीता, फीता का से मिलान हो रहा है तो आप इससे मिलान कर दीजिए। जीत का नहीं हो रहा, गीता का हो रहा है। इसमें क्या है? अभी ता, ता, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो आप इसका भी मिलान कर दीजिए इसे। कार का नहीं हो रहा, सीता, सीता का इसे मिलान हो रहा है तो आप सीता का मिलान कर दीजिए। साग, साग का नहीं हो रहा, पपीता, पपीता का हो रहा है, इसे मिलान कर दीजिए आप। दवा का नहीं हो रहा, मीता, इसका हो रहा है। धन्यवाद।